नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा का पशुपालन विभाग गाय और भैंस की तर्ज पर बकरी का भी कृत्रिम गर्भाधान करने जा रहा है। इसके अलावा भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने भेड़ बकरी पालकों द्वारा राज्य सरकार से दिए जाने वाले लोन का सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नैनो यूरिया की खेप भेजी है। तोमर का दावा है कि नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही किसानों तक पहुंचाने की लागत तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में भी कमी आएगी। पश्चिम बंगाल के नादिया कृषि विज्ञान केंद्र ने नक्काशी पारा किसान उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर किसानों के हित में काम शुरू किया है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र में उद्योग का रूप ले लिया है, जिससे किसानों की सालाना कमाई 3,64,000 तक पहुँच गई है। झारखंड के सिमडेगा जिले के किसान अब खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है। दरअसल राजकीय जल छाजन परियोजना के जरिए सिमडेगा जिले की तस्वीर बदली है। जल स्तर बढ़ा, खेती बढ़ी है और किसानों की आय बढ़ी है, साथ ही उनके जीवन में सुधार भी हो रहा है। भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत प्याज को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिसके लिए 5 राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को सरकार ने खास प्रोजेक्ट दिया है। दरअसल प्याज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। लुधियाना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मखाना पॉपिंग के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन तैयार की है, जिसे खरीदने के लिए बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। और खास बात यह है कि इस मशीन से तैयार मखाने का भाव प्रति किलो 50 रुपए ज्यादा मिलता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित किसानों को राज्य के कृषि विभाग ने 1,290 टन नोना सोना धान के बीज वितरित किए हैं, जिस पर 11 करोड़ रुपए का खर्च आया। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव किया गया, जिसमें पंजाब के किसान अजीत सिंह ओझा ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ PHU ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰੀਦਾ। राजधानी दिल्ली में बारिश के थमते ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 3 दिन तक मौसम शुष्क रह सकता है, साथ ही तापमान में वृद्धि भी हो सकती है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।